हेलो दोस्तों, फुटबॉल टॉकीज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए ISL और इंडियन फुटबॉल से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आया हूं। ISL और इंडियन फुटबॉल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड कप और AFC एशियन कप ज्वाइंट क्वालिफायर्स के बारे में, जिसका सेकेंड राउंड खेला जा रहा है कतार में। और हमारे इंडियन टीम ने अभी तक 2 मैचेस खेला है, जिसमें 1-0 से हार का सामना करना पड़ा AFC चैंपियंस कतार के खिलाफ। और फिर दूसरे मैच में इंडियन टीम ने 2-0 से बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करी, जहां दोनों गोल सुनील छेत्री ने दागा इंडिया के लिए। और तीसरा और आखिरी मैच 15 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाला है। दोस्तों, अब हम आते हैं ISL के लेटेस्ट अपडेट्स की तरफ। पहला अपडेट है केरला ब्लास्टर्स के तरफ से। दोस्तों, केरला ब्लास्टर्स FC ISL सीजन 2021-2022 के लिए वुको मैनोविक को एज ए हेड कोच साइन करने वाले हैं, जो कि केरला ब्लास्टर्स के 10वें हेड कोच रहेंगे। केरला ब्लास्टर्स ने अभी तक 9 हेड कोच चेंज कर चुके हैं। दूसरा अपडेट आ रहा है ओडिशा FC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा FC ने ISL सीजन 8 के लिए किको रेमेरिस को एज ए हेड कोच फाइनलाइज कर लिया है। दोस्तों, अब हम आते हैं SC ईस्ट बंगाल की तरफ, जहां से हमें सुनने को मिल रहा है कि SC ईस्ट बंगाल और उनके नए इन्वेस्टर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के बीच कुछ अनबन चल रही है, जिसके कारण श्री सीमेंट लिमिटेड और ईस्ट बंगाल ने अभी तक फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। और इसी के कारण SC ईस्ट बंगाल का ISL 8 डाउट में चल रहा है। जैसे ही इस पर हमें कोई भी खबर मिलता है, हम आपको अपडेट कर देंगे। और उसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। अगला अपडेट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के कैंप से आ रही है। वेल्सकीज ISL सीजन 2021-2022 के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को ज्वाइन करने वाले हैं। दोस्तों, वेल्सकीज ने पिछले ISL सीजन में 18 मैचेस खेलकर 8 गोल दागा था। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए बहुत बड़ी साइनिंग साबित हो सकती है। दोस्तों, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगला अपडेट ओडिशा FC के कैंप से आ रहा है, जो कि है एक प्लेयर साइनिंग। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि ओडिशा FC ने 26 साल के एक डिफेंडर को साइन कर लिया है, और उस डिफेंडर का नाम है लाल रुआथारा, जो मिजोरम के रहने वाले हैं। इस लेफ्ट बैक ने अभी तक ISL में 37 मैचेस खेला है। चेन्नई FC की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने अपने युवा स्ट्राइकर रहीम अली के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है। रहीम अली ने अभी तक चेन्नई FC के लिए 22 मैचेस खेलकर 2 गोल्स दागे हैं। अगली अपडेट फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड की तरफ से आ रही है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ISL में अब से कम 7 इंडियन खिलाड़ी मैदान में होने ही चाहिए। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि भारतीय युवा खिलाड़ियों को ज्यादा गेम टाइम मिले। ओडिशा FC के तरफ से और एक खबर आ रही है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के स्टार खिलाड़ी फेडेरिको गिएगो को अप्रोच किया है। दोस्तों, गिएगो को साइन करने के लिए चेन्नई FC भी पीछे पड़ी हुई है। गिएगो ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए अभी तक 3 सीजन खेला है, जिसमें उन्होंने 46 मैच खेलकर 12 असिस्ट और 9 गोल दागा है। अब आते हैं बेंगलुरु FC की तरफ, जहां से खबर आ रही है कि राहुल भेके और हरमनजोत खाबरा को बेंगलुरु FC ने रिलीज कर दिया है। दोस्तों, राहुल भेके और हरमनजोत खाबरा ने बेंगलुरु FC के लिए पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। केरला ब्लास्टर की तरफ से अगला खबर आ रहा है कि उन्होंने संदीप सिंह के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है, जिसका मतलब है कि संदीप सिंह ISL 8 में भी केरला ब्लास्टर्स की तरफ से खेलेंगे। संदीप सिंह मणिपुर के एक डिफेंडर है, जिन्होंने पिछले सीजन केरला ब्लास्टर्स के लिए 14 मैचेस खेला था। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।